ऐसा कैसे हो सकता है दादी? मुझे तो पहले ही अंदाजा था, दिल को खटका सा लगा हुआ था। ये क्या हो गया है तुम दोनों को भाई? उन्होंने कोई इनकार तो नहीं ना किया? दादी उन्होंने इकरार भी तो नहीं किया ना। ये बातें तुम लोगों की समझ में आने वाली हैं नहीं। अरे खानदानी लोग बड़े रख रखाव वाले होते हैं। अब लड़की वाले यूं थोड़ी ना एक मिनट में कह देंगे तुम्हें कि रिश्ता कबूल है। अरे लड़के वालों को अपनी जूतियां घिसानी पड़ती हैं। बस फिर तो दादी आपको दो दो दफा जूतियां घिसानी पड़ेंगी। पर मेरे भाई कामयाबी फिर भी नहीं मिल रही। महरीन अब इसमें इतना मायूस होने वाली बात भी नहीं है। खालू जान ने रिश्ते से मना थोड़ी ना की है, उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा है ताकि वो सोच समझ कर जवाब दे। ओहो बाबर, तुम्हें नहीं पता ये ना बड़ा मुअज्जब तरीका होता है मना करने का, और भाईजान ने यही अपनाया है। हाय, मोहब्बत के नसीब में जुदाई क्यों होती है? और जब दादी आज़र को जाकर ये खबर देंगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? यार तुम लोग इतना मायूस होकर क्यों बैठे हो? बाबा ने मना तो नहीं कर दी ना? हाय अल्लाह मेरा दिल। महरीन मुझे तो लगता है आपको आज़र भाई को ना अपनी मोहब्बत की कैद से अब आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो दूसरी शादी करें और कम से कम अपनी बाकी की जिंदगी तो आराम से गुजारें। देखो आज़र भाई से ऐसी बात कोई भी नहीं करेगा। और महरीन बाबा ने तो उनको घर बुलाने का कहा हुआ है। हाय मजीद बेइज्जती करने के लिए? नहीं महरीन, मीटिंग करने के लिए। क्या क्या? हाँ हाँ, मैंने ना अपने कानों से खुद सुने, बाबा कह रहे थे कि वो आज़र भाई को ना कुछ दिनों में घर बुलाएंगे और वो कुछ सवाल पूछेंगे, और अगर आज़र भाई ने उनको तसल्ली भर जवाब दे दिए तो बाबा रिश्ते में हाँ करने के लिए ज्यादा देर नहीं करेंगे। ओ यस, मैं तो पहले जानती थी कि मामू जान ना दिली दिल में राजी हैं। ये इंटरव्यू बहुत सख्त नौयत का भी हो सकता है। बाबर उनको डराओ मत, और हम ना बहुत खुशियों में खुश रहने दो। उजाला बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी अगर मामू जान को इस रिश्ते से इनकार ही करना होता तो वो आज़र भाई को कभी भी घर आने की दावत नहीं देते। क्यों? परी बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ये तो बिल्कुल सही है। अगर भाईजान ने इजहार किया है आज़र से मिलने का तो इसका मतलब ये है कि अपने जवाबात लेने के बाद ना वो इस रिश्ते से हाँ भी कर सकते हैं। यानी कि मैं थोड़ा सा डांस भी कर सकती हूँ, थोड़ा सा। चलो ना, थोड़ा खुश हो जाओ।